तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी देख सकते हो मैं फील्डिंग कर रहा था और क्रिकेट खेल खत्म हो चुका है। देखो इतने सारे लोग क्रिकेट खेलने आए हैं, पर ये तो स्टूडेंट सब है, क्रिकेट खेल देखने आया है। तो ये देखो यार, मैं अभी आम चुनने आया था, एक आम गिरा था। ये आम पेड़ किसका है पता नहीं, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता ये आम पेड़ किसका है। आम पेड़ भले किसी का भी हो, लेकिन ये आम कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा मस्त पक गया है, अभी खाएंगे इसको मस्त से। तो ये आम ठोको ना, लेकर जाएंगे नहीं खाएंगे। वाओ मस्त मीठा है भाई साहब। तो अभी ना थोड़ा देर पहले हम पार्सल लेने आए थे, ये देखो पार्सल फ्लिपकार्ट। तो चलो फिर घर लेकर चलते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं क्या है इस डब्बा में। ये देखो छोटे छोटे बच्चे सब आम खाते हुए। तो अभी ना बारिश हो रहा है, बारिश। अरे यार, घर पहुंचने के बाद बारिश होता तो क्या होता, रास्ता में ही बारिश आना स्टार्ट हो चुका है। चलो भाई, अरे भाई साहब, बारिश रुकने से पहले घर पहुंच ही गए। ये देखो मेरा घर पहुंच तो गए। तो इसका अंदर में है, ये देख सकते हो, ये एक फोन है। ये फोन का नाम है मैक्रोमैक्स, और इसके साथ मिला है ये बैटरी मिला है, और क्या है, ये चार्जर, बस इतना ही। तो अभी देख सकते हो फाइनली ये फोन का अनबॉक्सिंग हो चुका है। ये फोन का नाम है मैक्रोमैक्स, जो कि अभी मैं लेकर आया था। ये फ्लिपकार्ट डब्बा में था, ये पार्सल मेरा नहीं है, मतलब कि भैया मंगाया था लेकिन हम रिसीव करने गए थे, तो इसका वीडियो बना दे रहे हैं। और ये फोन ना बहुत ही गजब टाइप का दिख रहा है, मतलब कि मेरा एक फोन है जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, पोको एक्स 3 प्रो से मैं वीडियो बनाता हूँ, सेम उसी टाइप का इसका मॉडल है, देख सकते हो सेम इसी टाइप का। मतलब कि मेरा फोन में मेरा फोन में भी 4 मतलब कि कैमरा है, और इसमें भी इसमें 3 कैमरा है। मेरा फोन में 4 कैमरा है, इसमें 3 कैमरा देख सकते हो, 3 कैमरा है, ठीक है, और 1 फ्लैश लाइट है। मेरा आवाज कैसा क्लियर आ रहा है कि पता नहीं, ज्यादा आवाज नहीं सुनाई देता, जैसे कि आप लोगों को मैं बताते रहता हूँ कि मेरा फोन का कुछ प्रॉब्लम है, जो जिससे कि माइक रिकॉर्ड अच्छा से नहीं होता है, जो मैं बोलता हूँ अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो अभी ना हम लोग मनोहरपुर जाने वाले हैं, मैं और माँ दो जन जा रहे हैं, और पिताजी उधर से आ रहा है, तो पिताजी को लेकर के आएंगे। और मनोहरपुर आज मतलब कि माँ को भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भगनी का जन्मदिन आने वाला है। आज 11 तारीख है, कल है मेरी भगनी का जन्मदिन, मतलब कि 12 तारीख को उसका जन्मदिन है, तो उसके लिए कुछ कुछ खरीदने जाना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मनोहरपुर। अब मनोहरपुर का नाम लेना ही पड़ता है, क्योंकि मनोहरपुर ही जाना पड़ता है कुछ ऐसा कुछ खरीदना, मतलब कि जैसे कि चलो दिखाते हैं क्या खरीदने जा रहे हैं क्या नहीं। ये देखो माँ आम का रेट पूछने गई है, यदि यहाँ पर गए थे खरीदने के लिए, पसंद नहीं आया। ये वाला 1.40 ठंडा देता है, एक बार में लगातार 40 ठंडा नहीं, मतलब एक गो ये देखो हेयरबैंड, यहाँ से चूड़ी बोला 45 ना। तो हम लोग मनोहरपुर गए थे माँ के साथ, और जो जो खरीदना था वो सब सब खरीद के ले आए हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या खरीद के लेके आए हैं, ऐसे कुछ कुछ दिखाए हैं और भी मतलब कुछ खरीदे, वो सबको अच्छा से नहीं दिखाए तो अभी दिखाएंगे, ठीक है। उससे पहले तो वो भी बता देते हैं कि स्प्राइट आज भी खरीद के लाए हैं भाई साहब, डिक्की भरे हैं, डिक्की ऐसे ऐसे खुला ही नहीं खुल रहा है, ऐसे एक आया चाबी ऐसे सिंपल सा खुलिया, और ये रहा स्प्राइट, ठीक है। और भी क्या क्या खरीदे वो दिखाएंगे। तो ज्यादा कुछ खरीदे नहीं है, दिखाते हैं। ये देखो ये है अंगूर, ठीक है, ये है चूड़ी, माँ का चूड़ी है शायद, और मेरी भगनी के लिए भी चूड़ी खरीदे हैं। इसका अंदर में है चूड़ी, ठीक है, और ये बिस्कुट खरीदे हैं, ये बैलून खरीदे हैं, और ये स्प्राइट खरीदे हैं, और इधर सब्जी खरीदे हैं, देख सकते हो सब्जी है, और यहाँ पर मछली है, मछली इसका अंदर में मछली है, और ये देख सकते हो ये मेरी भगनी के लिए खरीद दिए हैं, इसको बर्थडे में पहनाएंगे मस्त से। क्या बोला तूने? और ये देख सकते हो ये है मेरी भगनी के लिए, इसको खरीद दिए हैं, उसका बर्थडे आने वाला है 12 तारीख, इसका बर्थडे है जन्मदिन 12 जून,
ठीक है, 12 जून को मेरी भगनी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन वाला भी व्लॉग आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं जाऊंगा मेरी भगनी का जन्मदिन में, तो ये वाला ड्रेस लेकर जाएंगे। और क्या क्या खरीदे तो बता ही दिए, और क्या क्या खरीदे हैं, चूड़ी खरीदे हैं, और क्या बोलते हैं, हेयर बैंड है, और बस इतना ही है, और इतना ही खरीदे हैं। जब पहनेंगे तो दिखाएंगे कितनी क्यूट लगेगी मेरी भगनी। तो गाइज आज का व्लॉग यही जगह एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, खत्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, मेरी भांजी का जन्मदिन आने वाला है, 12 तारीख को जन्मदिन उसका होता, और आज ही है 12 तारीख। जैसे कि मैं मतलब कि 2-3 को व्लॉग एक ही को व्लॉग में ऐड करके अपलोड करता हूँ आजकल, ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरी भगनी का जन्मदिन नहीं हुआ, भगनी बोलते हैं हम लोग सादरी भाषा में, हम लोग भगनी बोलते हैं। तो आज जन्मदिन था उसका, लेकिन जन्मदिन नहीं मना पाए क्योंकि उधर ना मतलब कि वो लोग का घर सामने में एक जन आदमी का मतलब कि देहांत हो गया, मतलब इसीलिए वहाँ मतलब कि कैसे मनाएंगे, उसी लोग का घर का सामने में ही ऐसे हुआ, इसीलिए हम लोग जन्मदिन मनाने नहीं गए, हम लोग घर में ही है। देख सकते इधर माँ भी है, पिताजी भी है इधर, तो हम लोग घर में ही है, और गर्मी के कारण अंदर में नहीं सोए हैं, बाहर में पिताजी इधर घुलटा हुआ देख सकते हो, ठीक है। और हम अभी यहीं अभी वीडियो एडिट कर रहे थे हम, और अचानक याद आया मेरी भगनी का तो जन्मदिन मनाए नहीं, तो क्या ही बोलेंगे, बोल के ये वीडियो लास्ट में ऐड कर देंगे, डाल देंगे, व्लॉग तो एंड कर ही दिए थे, और फिर अभी ये वीडियो बना रहे हैं कि मेरी भगनी का जन्मदिन कैंसिल हो गया। तो लेकिन फिर भी इसका जन्मदिन मनाएंगे ना, मनाएंगे फिर भी इसका जन्मदिन मनाएंगे, कब मनाएंगे उसका भी व्लॉग बनाएंगे, ठीक है, बस इतना ही बोलना था, खत्म।